नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिविल जोन पर। मेरा नाम है दीपक सिंह बिष्ट। दोस्तों, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने पाइल टेक्नोलॉजी का जो थ्योरी पार्ट पूरा कवर कर लिया था, और अब हम इस वीडियो में उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं और आगे एग्जाम आने की संभावना है, तो वो सब हम कवर करेंगे दोस्तों। तो बने रहिएगा लास्ट तक। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द फाउंडेशन कंसिस्टिंग ऑफ थिक आर सी सी स्लैब कवरिंग द एंटायर एरिया ऑफ द बॉटम ऑफ स्ट्रक्चर इज नॉन एज। यानी कि ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि जो कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो उसके एंटायर एरिया में, यानी कि जितना भी एरिया, मान लो ये स्ट्रक्चर है, ठीक, मान लो ये बिल्डिंग है, तो इसके जितना भी प्लॉट एरिया है, जितने पे बिल्डिंग बनी है, पूरे पे हम क्या कर रहे हैं, फाउंडेशन डाल रहे हैं, फुटिंग डाल रहे हैं। तो ऐसी फुटिंग को क्या बोलते हैं, या फाउंडेशन को क्या बोलते हैं? तो हमने पढ़ा था कि इसको बोलते हैं राफ्ट फाउंडेशन। ठीक है दोस्तों, जैसे कि 50% से ज़्यादा के एरिया में अगर हमें फाउंडेशन डालने की जरूरत पड़ रही है, तो वहाँ पे हम राफ्ट फाउंडेशन डाल देते हैं, यानी कि पूरे एंटायर पे डाल देते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइल्स प्राय डैश से नहीं बने होते हैं। फर्स्ट है स्टेनलेस स्टील, सेकंड स्टील, थर्ड है लकड़ी, और चौथा है आरसीसी। तो जैसे कि हमने पाइल्स का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मटेरियल पढ़ा था, तो स्टील, ठीक है, टिम्बर और आरसीसी, ठीक है, ये सब पढ़े थे, लेकिन स्टेनलेस स्टील से नहीं बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, अ स्प्रेड फुटिंग विच सपोर्ट्स टू और मोर कॉलम इज टर्म्ड एज। यानी कि स्प्रेड फुटिंग है जो दो या दो से ज़्यादा कॉलम को क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है, तो ऐसे फुटिंग को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं दोस्तों कंबाइंड फुटिंग, जैसे कि हमने पढ़ा था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइल्स विच आर ड्राइवन इन टू द ग्राउंड अंटिल अ हार्ड स्टेटम इज रीच्ड आर टर्म्ड एज। तो यानी कि उस पाइल को क्या बोलेंगे जिसे हम ड्राइव करते कहाँ तक, हार्ड स्टार्टर तक, ठीक है। यानी कि ये हमारा अर्थ है, तो यहाँ पे, ठीक है, इस पोर्शन में लूज सॉयल है, ठीक है, यानी कि बेयरिंग कैपेसिटी कम है, लेकिन एक पोर्शन ऐसा है अर्थ का जहाँ पे क्या है, हार्ड स्टार्टर है, हार्ड स्टार्टर, ठीक है। तो वहाँ तक जब हम पाइल को क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं, तो उस पाइल को क्या बोलते हैं, एंड बियरिंग पाइल। तो सेकंड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और दूसरी कौन सी पाइल होती है, फ्रिक्शन पाइल होती है, जैसे कि हमने परसों पढ़ा था, ठीक है। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी हो तो आपको ये आंसर पता लग गया होगा, ठीक है। तो इजीली आप कर सकते हैं सभी क्वेश्चन के आंसर। फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। कौन से इनमें से ट्रू हैं? फर्स्ट है, द प्रोपोर्शनिंग ऑफ अ फुटिंग इज मोर ऑफन गवर्न बाय इट्स बियरिंग कैपेसिटी। यानी कि कौन सी फुटिंग हमें डालनी है, तो वो बियरिंग कैपेसिटी के बेस्ड पर हम डालते हैं ना। बी है, फ्रिक्शन पाइल्स आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लोटिंग पाइल्स। तो बिल्कुल सही बात है, फ्रिक्शन पाइल को हम फ्लोटिंग पाइल भी बोलते हैं, यानी कि ए और बी, ठीक है, सी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ फाउंडेशन द लेंथ इज कंसिडरेबली ग्रेटर दैन इट्स विड्थ। तो डीप फाउंडेशन, और डीप फाउंडेशन में कौन सा, पाइल फाउंडेशन, ठीक है। बाकी क्या है इसमें, बाकी सेलो फाउंडेशन है तीनों, राफ्ट फाउंडेशन, फुटिंग, स्ट्रिप फाउंडेशन, सेलो है। तो जिसमें डी बाई बी का रेशो क्या होता है, मोर देन वन होता है, है ना, तो उसे डीप बोलते हैं, ऐसा रैंकाइन ने बोला था। और जब 2.5 से मोर होता है तो तब भी डीप बोलते हैं, ऐसा किसने बोला था, ऐसा स्केम्पटन ने बोला था, ठीक है। तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखने वाली बातें हैं। और जो है ये DFCCIL 2016 में और UPCL 2016 में ये क्वेश्चन आ रखा है, तो छोटी छोटी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं, बस ये कि हमें क्लैरिटी से उनका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइल फाउंडेशन इज जनरली प्रोवाइडेड ऑफ सॉयल इज। तो ए है कंप्रेसिबल, बिल्कुल सही बात है, वाटर लॉक्ड, बिल्कुल, मेड अप टाइप, हाँ, तो यानी कि तीनों आंसर सही है, तो हमारा डी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि पाइल फाउंडेशन का यूज कब करते हैं। नेक्स्ट है, एच पाइल्स इज अ टाइप ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पाइल्स। जो एच पाइल होती है वो किसकी टाइप है, ठीक है, कॉन्क्रीट पाइल की नहीं है, टिम्बर की भी नहीं है, कंपोजिट की भी नहीं है, स्टील पाइल का ये एक टाइप होता है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन हमारे थ्योरी पार्ट में कवर नहीं हुए वो हमारे ऑब्जेक्टिव में कवर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो स्टील पाइल का एक टाइप है, चलो हम देख लेते हैं स्टील पाइल जो है कितने टाइप की होती हैं। दोस्तों स्टील पाइल जो है चार टाइप की होती है। फर्स्ट होती है एच पाइल, ठीक है, तो एच शेप में होती है। सेकेंड होती है हमारी पाइप पाइल, है ना, तो पाइप के शेप में होता है ये, ठीक है, स्टील पाइल है भी। और थर्ड होती है स्क्रू पाइल, ठीक। और चौथी कौन सी होती है दोस्तों, चौथी होती है डिस्क पाइल, ठीक है, डिस्क पाइल। तो इन्हें आप नोट कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ फ्रिक्शन पाइल इन अ क्ले स्टाटा इज 180 किलो न्यूटन। इफ अ ग्रुप ऑफ 7 पाइल्स आर डिजाइंड विद एन एफिशिएंसी फैक्टर ऑफ 0.75 देन द लोड टोटल लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ग्रुप पाइल क्या होगी। तो जैसे कि हमें इसमें गिवन है, क्या क्या गिवन है, पाइल की, इंडिविजुअल पाइल की बेयरिंग कैपेसिटी दे रखी है, और टोटल नंबर ऑफ पाइल भी दे रखे हैं ग्रुप में, है ना, तो 7 पाइल्स हैं, ठीक है दोस्तों। और एफिशिएंसी भी गिवन है 0.75, ठीक। तो हमें निकालना क्या है, लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रुप पाइल। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन हमने परसों जो है वीडियो में क्या किया था,
थ्योरी पार्ट में ये कवर किया था, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था कि एफिशिएंसी, ठीक है, नीटा से इसको डिनोट करते हैं, तो क्या होती है बियरिंग कैपेसिटी, ठीक, इसमें अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इन ग्रुप डिवाइड बाई अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इन इंडिविजुअल की, ठीक है, इनटू एन, इंडिविजुअल का जो सम होगा वो है डिवाइड में, ठीक है। तो हम रख लेते हैं इसको, तो एफिशिएंसी दे रखी हमें 0.75 और हमें निकालने क्या बियरिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रुप में है ना, और डिवाइड बाई एन कितने हैं 75 हैं और इंडिविजुअल की कितनी है 180, ठीक है दोस्तों। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, 180 इंटू 7 इंटू, ठीक, इक्वल टू से इस साइड जाएगा ये 0.75 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा क्या निकल जाएगा क्यू अल्टीमेट इन ग्रुप, ठीक है दोस्तों। तो हमारा आंसर आ जाएगा 945 किलो न्यूटन, ठीक है, तो आंसर नंबर बी। तो आप इसको एक बार करके देखिए, ईजिली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है, LMRC AMR का ही। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राफ्ट फाउंडेशन आर जनरली टू व्हेन दे आर रिक्वायर्ड फॉर इंडिविजुअल फुटिंग इज मोर देन, तो यानी कि राफ्ट फाउंडेशन की जरूरत कब पड़ती है, जब इंडिविजुअल फुटिंग जो है वो कितने एरिया से ज़्यादा में हो, मोर देन 50%, ठीक है, मोर देन 50% ऑफ टोटल एरिया से ज़्यादा में अगर हमें डालनी पड़ रही है फुटिंग, तो हम क्या करते हैं पूरे पे डाल लेते हैं, यानी कि राफ्ट फाउंडेशन यूज कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर वेइंग 2000 kg एंड फॉलिंग थ्रो अ हाइट ऑफ 2 meter ड्राइव अ पाइल एंड एवरेज पेनिट्रेशन ऑफ 0.5 cm अंडर द लास्ट फ्यू ब्लोज, तो व्हाट विल बी द अलाउबल लोड इन टर्न में बताना फॉर द पाइल्स। तो दोस्तों ये इंजीनियर्स न्यूज फार्मूला जो हमने पढ़ा था, डायनामिक मेथड है ना, 3 मेथड पढ़े थे हमने पाइल की बियरिंग कैपेसिटी निकालने के, स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन, स्टैटिक मेथड, ठीक है, दूसरा डायनामिक मेथड और फील्ड मेथड, ठीक है। फील्ड मेथड में क्या थे, SPT, CPT और प्लेट लोड टेस्ट, यानी कि स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, कोन पेनिट्रेशन टेस्ट और प्लेट लोड टेस्ट, ठीक है, ये थे। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग ENR फार्मूला, यानी कि डायनेमिक मेथड का जो है ENR फार्मूला, फॉर किसके लिए, सिंगल स्टीम हैमर के लिए पूछ रहे हैं, है ना, हमने दोनों के लिए पढ़ा है, सिंगल स्टीम हैमर और डबल स्टीम हैमर दोनों के लिए फार्मूला पढ़ा है। तो सिंगल स्टीम हैमर के लिए फार्मूला ये पूछ, मतलब सॉल्यूशन करेंगे हम इस फार्मूले से। क्या था फार्मूला, ये था दोस्तों क्यू अलाउबल निकालना है ना, तो W इंटू H डिवाइड बाई S प्लस C, ये अल्टीमेट का था, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना, डिवाइड बाई 6 से है ना अलाउबल निकालना है, तो 6 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, इसमें वैल्यू हम पुट करेंगे, ठीक है, वेट दे रखा है 2000 है ना, 2000 दे रखा है kg में, और हाइट भी गिवन है, ठीक है, और S दे रखा है, C दे रखा है, C कितना रखेंगे इसमें हम 2.5 cm रखेंगे, 2.5 cm C रखेंगे, और S कितना है, एस हमारा 0.5 meter है, ठीक है, और डिवाइड बाय 6 करेंगे, ठीक, और एच कितना है, एच है 200, तो ये पुट करके, वैल्यू पुट करके आप इसको सॉल्व करिए, तो आंसर आ जाएगा 22.22 टन आ जाएगा टन में, ठीक है। तो हमारा आ रहा है दोस्तों ये 22.22 टन आ रहा है ना, तो ऑप्शन में ये गिवन नहीं है, हो सकता है ऑप्शन में कुछ एरर हो, ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका 22.22 हो सकता है। फिर नेक्स्ट है, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन इज अ डाउनवर्ड ड्रॉ एक्टिंग ऑन अ पाइल ड्यू टू, तो नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन कब होता है, द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द सराउंडिंग कंप्रेसिव सॉयल टू द पाइल, यानी कि जो ये पाइल है इसके सराउंडिंग में जो सॉयल है, ठीक है, वो भी क्या हो, डाउनवर्ड में मूव करें, है ना, पाइल तो डाउनवर्ड में कर ही रही है, लेकिन इसका अपोज करना चाहिए सॉयल ने, लेकिन वो भी डाउनवर्ड में ही मूव कर रही है जो सराउंडिंग सॉयल है, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा वो नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन होगा, है ना, पॉजिटिव कब होगा, जब अपोज करेगा वो, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ पाइल्स आर ड्राइवन एट एन इंक्लाइनेशन टू रेस्ट लार्ज हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड फोर्स, तो कौन सी पाइल है जो इंक्लाइंड और लार्ज हॉरिजॉन्टल फोर्स को रेजिस्ट करती है, तो हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, हमने पढ़ा था बेटर पाइल, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ फ्रिक्शन पाइल्स ऑफ 1 meter डायमीटर इज, तो मिनिमम जो स्पेसिंग होती है पाइल्स की कितना पढ़ा था हमने, 2.5D से लेके 3D, है ना, ये किसके लिए, एंड बियरिंग पाइल के लिए पढ़ा था, और 3 से लेके 4D, है ना, और ये किसके लिए पढ़ा था हमने, फ्रिक्शन पाइल के लिए, और D अगर 1 meter है दिया है ना इसमें 1 meter, यानी कि 3 से 4 meter हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है दोस्तों। और 100 cm विच एवर इज मैक्सिमम होगा, है ना, तो ये हमने पढ़ा था, तो एग्जाम में भी आया है, ठीक है, IOF JEE 2015 में आ रखा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसलिए दोस्तों जो थ्योरी कंटेंट हमने दिया है उसे बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन उससे बन जाएंगे, जिसने वीडियो नहीं देखी है वो देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर रिम्ड पाइल्स आर जनरली, तो जो रिम्ड पाइल होती है दोस्तों, हमने पढ़ा था क्या होती है, वो बोर्ड कास्ट इन सीटू पाइल होती है, ठीक है,
जैसे ये है ना, ये पाइल रिम्ड क्या करते हैं, इसमें बल्ब बन जाते हैं, इसमें जो वर्टिकल पाइल होती है उसमें बीच में बल्ब बना देते हैं, है ना। तो ड्राइव करके तो हम बना नहीं हो सकते ना, अगर हम पाइल को ड्राइव करें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए बोर्ड होता है, यानी कि पहले हम इसमें होल करते हैं उसके बाद कास्टिंग कर देते हैं, तो इसलिए बोर्ड पाइल आई, अंडर रिम पाइल। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरह से कॉन्सेप्ट अपने तैयार करिए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको एग्जाम में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन फॉर यूजिंग पाइल कैप्स ओवर अ ग्रुप ऑफ पाइल, यानी कि जो बहुत सारी पाइल्स हैं, ठीक है, बहुत सारी पाइल हैं, इनके ऊपर क्या करते हैं, एक कैप डाल देते हैं, ठीक, बहुत सारे ग्रुप ऑफ पाइल्स हैं, तो क्यों ऐसा करते हैं, ताकि जो ऊपर से लोड आ रहे हैं, है ना, स्ट्रक्चर का लोड आ रहा है, पाइल कैप आएगा और पाइल कैप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, सभी पाइल्स पे। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, फॉर स्प्रेडिंग वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लोड्स टू ऑल पाइल्स। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ फ्रिक्शन पाइल्स ऑफ डायमीटर डी एज पर बीआईएस कोड। तो जैसे अभी हमने पढ़ा था कि एंड बियरिंग पाइल के लिए 2.5 से 3 डी होता है और फ्रिक्शन पाइल के लिए 3 टू 4 डी, तो यहाँ अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये हो जाएगा 3 डी, है ना, 3 टू 4 डी या 100 सेंटीमीटर, विच एवर इज मैक्सिमम, जो भी ज़्यादा होगा उसको ले लेंगे, ठीक, तो इसलिए 3 डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अंडर रिम्ड पाइल्स, जो अंडर रिम्ड पाइल्स होती है उसके रिगार्डिंग है, हम पढ़ते हैं क्या है, दे आर यूज इन एक्सपेंसिव सॉइल, बिल्कुल सही बात है ना, एक्सपेंसिव सॉइल यानी कि ब्लैक कॉटन सॉइल होती है, वहाँ पे हम इसको यूज करते हैं, दे आर ऑफ प्री कास्ट रिइंफोर्स्ड कॉन्क्रीट, तो प्रीकास्ट तो नहीं होती है ये, है ना, इसको हम क्या करते हैं, साइट पर ही क्या करते हैं, कास्ट करते हैं, ठीक है, तो दूसरा आंसर तो गलत हो गया। फिर है, द रेशो ऑफ बल्ब टू सॉफ्ट डायमीटर्स इज यूजुअली 2 to 3 टाइम्स, यानी कि ये जैसे ये हम डायग्राम यहाँ पे दिखा रखे हैं, है ना, ये पाइल है, ये सॉफ्ट हो गया इसका, ठीक है, सॉफ्ट के कंपैरिजन में जो इसका बल्ब का जो डाया होगा वो कितना है, वो 2 से 2.5 डी होते हैं, ठीक है, तो यानी कि 2 से 3 मीटर, 2 से 3 गुना ज़्यादा, ठीक, तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है, फर्स्ट भी सही है। अब चौथा पढ़ते हैं हम, मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन द पाइल शुड नॉट बी लेस देन 1.5 टाइम्स द बल्ब डायमीटर, तो यानी कि जो एक पाइल ये है, एक पाइल ये है, अंडर रिम पाइल, दोनों के बीच की जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है वो किससे कम नहीं होनी चाहिए, 1.5 गुना 1.5 टाइम, और किसका, बल्ब डायमीटर, ठीक है, डायमीटर ऑफ बल्ब इनटू 1.5, इससे कम नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है, तो फर्स्ट थर्ड और फोर्थ सही है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल इज डिटरमाइंड बाय, तो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल किससे डिटरमाइन करते हैं, कौन कौन से मेथड है, डायनेमिक फॉर्मूला है, बिल्कुल सही बात है, स्टैटिक फॉर्मूला बिल्कुल सही बात है, और तीसरा फील्ड टेस्ट होता है, उसमें SPT CPT और प्लेन लोड टेस्ट होते हैं, है ना, तो सी भी सही है, पाइल लोड टेस्ट, ठीक, तो सारे सही हैं, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रुप एफिशिएंसी ऑफ पाइल ग्रुप, यानी कि ग्रुप एफिशिएंसी क्या होती है, तो हमने क्या पढ़ा था कि ग्रुप एफिशिएंसी ऑफ पाइल जो है सैंड के केस में मोर देन 100% होती है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, विल बी मोर देन 100% फॉर पाइल्स ग्रुप इन कोहेजनलेस सॉइल, कौन सी होती है, सैंड होती है, ठीक है, और लेस देन 100% हो सकती है किसमें, कोहेजिव सॉइल में, ठीक है, यानी कि क्ले में, तो ये भी हमारा क्वेश्चन बन गया इजीली, है ना, जैसे कि ऑप्शन ए है ऑलवेज लेस देन 100%, वैसे तो होता नहीं है, है ना, क्योंकि 100% से ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है, जैसे कि क्वेश्चनलेस सॉइल के लिए विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 100%, तो हमेशा 100% से ज़्यादा भी नहीं होती है, क्योंकि क्ले केस में हमने देखा कि कम भी होती है ना, तो मे बी लेस देन 100% और मोर देन 100%, तो दोस्तों इसलिए ये भी सही नहीं है, क्योंकि इसकी हमने कंडीशन पढ़ी है अच्छे से, ठीक है, तो हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑन पाइल्स द ड्रॉप मस्ट बी एटलीस्ट, तो जैसे पाइल को ड्राइव करने के लिए पढ़ा था कि हैमर मेथड यूज़ करते हैं या स्टीम से यूज़ कर सकते हैं हम, है ना, ड्रॉप हैमर या स्टीम हैमर, तो मिनिमम जो ड्रॉप है, ड्रॉप, ठीक, कितना होना चाहिए, 1.2 मीटर यानी कि 120 सेंटीमीटर, तो ये इसका सही आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों हमने पाइल टेक्नोलॉजी के जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर में आए हैं या आने की संभावना है, ठीक है, वो सब हमने कवर कर लिए हैं, और आप और भी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं इनकी, ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, और घर पर रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है, अपनी और अपनी फैमिली का ध्यान रखें, और फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में, जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है, फिर उसके क्वेश्चन करेंगे, तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।